इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने आधार कार्ड से किसी भी बैंक के बैलेंस को किस तरीके से अपने मोबाइल फोन से ही चेक कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले अभी तक से आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाक से लाइक कर दीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए किसी भी बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले हमें अपने स्पाइस मनी को ओपन कर लेना है उसके बाद से यहां पे आप देख पा रहे होंगे बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन पे साफ साफ दिख रहा है इस पे क्लिक करके कर लेना है इसे ओपन ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है अगर आपको इसमें अपना बैंक नजर नहीं आए तो यहाँ पे देखिए व्यू आल बैंक का ऑप्शन है इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर देखिए एक सर्च बार का ऑप्शन आ गया आप सिंपल सर्च कर सकते हैं इसमें से टाइप करके अपने बैंक को तो चलिए फिलहाल मैं स्टेट बैंक का चेक कर रहा हूं तो चलिए स्टेट बैंक को सेलेक्ट हमने कर दिया अब यहां पे आते हैं थोड़ा सा नीचे यहां पे देखिए आधार नंबर यहां पे मांग रहा है आधार नंबर डालना है और कोई सा भी मोबाइल नंबर डाल के और उसके बाद यहां पे आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे टिक मार्क करके यहां पे देखिए स्कैन फिंगर पे क्लिक कर देना है कहा जाते हैं आप थोड़ा सा नीचे यहाँ पे देखिए स्कैन फिंगर का ऑप्शन है इस पे कर देते हैं क्लिक उसके बाद से हमारे फिंगर प्रिंट में लाइट जल जाएगा यहाँ पे फिंगर आपको अपना लगा देना है उसके बाद से यहाँ से थोड़े समय में ही आपको तुरंत इंस्टेंट पता चल जाएगा आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है चलिए यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं देखिए अभी यहाँ पे प्लीज वेट का ऑप्शन शो कर रहा है थोड़ा समय वेट करना है वो भी इंटरनेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है स्पीड जितना ही अच्छा रहेगा उतना ही जल्दी आपको आपके बैलेंस का अमाउंट पता चल जाएगा नहीं तो थोड़ा समय लग सकता है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे बता दिया अमाउंट कितना है इसमें देखिए आठ सौ छप्पन रुपये